हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का भिन्न वाला भाग, है ना बच्चों, भिन्न। और ये आपकी बुक के पेज नंबर 33 पर है, 33 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। कार्यपत्रक एक, दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित करें। यहाँ भिन्न दे रखे हैं, उसके अनुसार आकृति को छायांकित करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ दे रखा, देखो 1/4, है ना, 1/4 मतलब 4 का एक भाग, है ना, कुल 4 भाग है और उसमें से एक भाग। तो देखो यहाँ पे चित्र देखो, 1, 2, 3, 4 भाग दे रखे हैं, तो 4 का एक भाग हमें छायांकित करना है, तो हमने इसे छायांकित कर दिया। ठीक है, ये हमने एक भाग छायांकित कर दिया, तो ये हो गया ना 1/4 मतलब 4 में से एक भाग छायांकित है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 3/4 मतलब 4 में से 3, तो ये 4 भाग है, हाँ है 4 भाग, इसमें से 3 भाग हम छायांकित कर देंगे। देखो ये एक भाग हो गया, आप इसे अच्छे से कर लेना। ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग कर दिया मैंने, 4 में से 3 भाग छायांकित कर दिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया 3/4। उसी प्रकार ये है 1/4 मतलब 4 में से एक भाग, तो ये 4 भाग है यहाँ पे, इसमें से एक भाग छायांकित कर दिया मैंने। ठीक है बच्चों, ये छायांकित हो गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है 4/4। ठीक है, 4/4 तो 4 है यहाँ पे, 4 भाग है, 1, 2, 3, 4 भाग है, और 4 में से कितने, चारों ही है ना। यदि हम इसको काट देते, देखो बच्चों, यदि हम इसको काट देते तो 4 × 4, 4 × 4 तो 1/1 हो जाता, मतलब एक में से एक पूरा ही भाग कैसा हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चारों ही भाग छायांकित होंगे, 4 में से 4 ही भाग छायांकित है, है ना बच्चों, ये पूरे अच्छे से आप कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है देखो, 1/2, है ना, 1/2 मतलब 2 में से एक भाग, लेकिन यहाँ तो कितने भाग दिख रहे, देखो 1, 2, 3, 4 भाग दिख रहे हैं आपको, तो इसको तो हमें 1/2 करना है, तो हमें 4 भाग तो है नहीं है। तो आप सोचो कि इसको हम नीचे यहाँ पे बटे में 4 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे और नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2 और नीचे 2 × 2 = 4। ठीक है बच्चों, ये नीचे 4 आ गया है और ऊपर 2 आ गया, और ये संख्या, तो ये हमने समान संख्या का ऊपर और नीचे गुणा हम कर सकते हैं ना बच्चों, समान संख्या का, जैसे हमने 2 का ऊपर भी गुणा करा और 2 का नीचे भी गुणा करा, तो एक ही बात हुई, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे भी हम 2 × 2 और 2 × 2 = 4 कर सकते, 1/2 वापस हो जाएगा, केवल हमने इसको हल करने के लिए करा था। तो यहाँ हो गया 2/4 मतलब 4 में से 2 भाग, तो एक भाग तो छायांकित ही है। एक और हम कर देते हैं कोई सा भी एक भाग, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना बच्चों, 1/2 मतलब आधा भाग छायांकित हो जाना चाहिए, तो हमने आधा भाग छायांकित कर दिया है ना, इतना इतना छायांकित है, इतना इतना बच गया है। अब अगला देखो, 1/2 फिर से 1/2 है ना बच्चों, और यहाँ तो 4 भाग दे रखे, तो फिर हम क्या कर देंगे, 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे गुणा। अच्छा, हमने 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे गुणा क्यों करा है, ताकि नीचे जो बटे में 2 है उसमें 2 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, है ना बच्चों, और ये 2 × 2 हो जाएगा, तो ये 4 भाग है, तो हमें 4 मिल जाएगा, और 4 में से कितने भाग करने हमें तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको काट देंगे, 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो वापस 1/2 हो जाएगा, हमें इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो 4 में से 2 भाग छायांकित करने, तो ये 4 भाग है, इनमें से कोई से भी 2 भाग कर देते हैं, ये एक भाग हो गया, ठीक है, और ये दूसरा भाग हो गया, है ना, ये 2 भाग कर दिए मैंने, 4 में से 2 भाग छायांकित कर दिए। तो यहाँ पे 1/2 था, 1/2 मतलब आधा, है ना, तो ये आधा भाग छायांकित हो गया है, है ना बच्चों, ऐसे भी कर सकते थे आपके आधा भाग छायांकित करना हमें। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो है वो है 4/4, 4 में से चारों ही भाग, तो यहाँ 4 भाग दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 4 में से 4 ही छायांकित करने हैं, तो हम 4 ही कर देंगे, है ना, ये 1, 2, 3 और ये 4 पूरा छायांकित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम 4/4 मतलब 4 में 4 का भाग दे देंगे, तो 1 आ जाएगा, है ना, तो पूरा 1, ये से भी समझ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, 3/4 मतलब 4 में से 3 भाग कैसे होना चाहिए,
छायांकित होना चाहिए। चार में से चार भाग है, एक दो तीन चार भाग है, इनमें से तीन भाग छायांकित, तो एक तो ये है ही सही है ना, ये दूसरा और ये तीसरा। इस प्रकार चार में से तीन भाग छायांकित हो गए हैं ना बच्चों। उसे अब अगला क्वेश्चन है एक बट्टे दो, और यहाँ तो चार भाग दे रखे, तो हम या तो कर देंगे कि दो का ऊपर गुणा दो का नीचे गुणा, तो नीचे हमें चार मिल जाएगा। दो एक कम दो, दो दूनी चार है ना बच्चों। दो बट्टे चार मतलब चार में से दो भाग छायांकित करो, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एक बट्टे दो मतलब आधा, तो ये पूरा एक मान लो, इसका आधा भाग हमें छायांकित करना था है ना। दोनों तरीके से कर सकते हो, पर ये करना आपको ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे आधे में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए दो का ऊपर भी गुणा करो तो दो का नीचे भी, और नीचे चार अंक आ जाएंगे हर में है ना। तो दो बटे चार हो गया, चार में से दो भाग हमें छायांकित करना है, ये एक भाग और ये दूसरा भाग, ठीक है बच्चों। तो ये आधा हो गया है ना, आधा भाग छायांकित हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे है चार में से चार भाग छायांकित करने हैं, तो ये चारों ही भाग छायांकित करने पड़ेंगे है ना। चार थे और चार में से चारों ही छायांकित, आप अच्छे से छायांकित कर लेना, ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है दो बटे पाँच, मतलब पाँच में से दो भाग, तो ये पाँच भाग है क्या, देखो एक दो तीन चार पाँच भाग है, और पाँच में से कितने छायांकित करने हैं हमें, दो भाग छायांकित करने, तो कोई से भी दो कर दो। ये मैंने एक कर दिया और ये दूसरा कर दिया, ये पाँच में से दो भाग छायांकित हो गए। उसी प्रकार यहाँ दे रखा अगला तीन बटे चार, मतलब चार में से तीन भाग छायांकित करना है, तो चार भाग है क्या, एक दो तीन चार भाग है, और चार में से तीन करना है, तो ये एक ये दो और ये तीन भाग छायांकित कर दिए मैंने, चार में से तीन कर दिए है ना बच्चों। ये है तीन बट्टा छः, मतलब छः में से तीन भाग, एक दो तीन चार पाँच छः भाग है, छः में से तीन मुझे छायांकित करने, तो मैं कोई से भी तीन, ये होगा एक ये दो और ये तीन भाग छायांकित कर दिए, तो ये हो गया तीन बट्टे छः है ना। ये कार्यपत्रक एक आपका पूरा हो चुका है।